हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु दीपक चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है मार्केट डेली व्यू। मार्केट डेली व्यू में हम लोग देखेंगे कि 12 दिसंबर को मार्केट कैसे रहेगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी और जिन स्टॉक में मुझे लग रहा है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आ रहा है या इंट्राडे के लिए उसमें कुछ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज है वो मैं बताऊंगा। जैसे कि एक मेन इवेंट था आज 11 तारीख को, स्टेट इलेक्शन का रिजल्ट हो गया और उसके बाद निफ्टी और कोई स्टॉक जो है वो कैसे लग रहे, उसमें कैसे ट्रेड करना चाहिए हम लोग चार्ट के ऊपर जाके देखेंगे। लेकिन उसके पहले जो भी हम लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही इस चैनल के ऊपर हम लोग एजुकेशनल वीडियोज और डेली और वीकली व्यू लाते रहते हैं, तो ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। तो चलिए हम लोग चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं 12 तारीख के लिए मार्केट कैसे रहेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो जैसे मैंने अपने वीकली व्यू में बताया था आपको कि एक इम्पोर्टेंस लेवल को रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ रहा था, और मैंने आपको सैटरडे का वीकली व्यू में बताया था कि जो कि मंडे और ट्यूजडे को मोस्टली आप ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए क्योंकि यहाँ पे एक इवेंट था, तो इवेंट में मार्केट ऊपर नीचे बहुत करता है। तो आज इवेंट हो गया इसलिए मैं कल के लिए आपको निफ्टी का लेवल्स और मार्केट व्यू देता हूं। तो जैसे एज एक्सपेक्टेड मार्केट ने वॉलेटिलिटी किया और इधर से नीचे से भी कवर होके आ गया। जैसे मैंने ये जो ग्रीन लाइन डाला है 526, ये जो इम्पोर्टेंस लेवल था कि मैं बोला यहाँ के इसके नीचे दो दिन क्लोज नहीं होना चाहिए, तो आज मार्केट ने उसके ऊपर क्लोज दिया, एक अच्छी बात है। और इलेक्शन का रिजल्ट होने के बाद भी मार्केट जैसे कि ऊपर आ गया कि लोग सबने देखा भी कि सबको लगा कि मार्केट डाउन जाएगा लेकिन आ गया। ये तो मार्केट का फितरत है कि वो कभी भी सरप्राइज देता है और जब सब सोचते हैं वैसा मार्केट मूवमेंट नहीं करता है। लेकिन हम लोग देखेंगे कि अभी इवेंट तो हो गया है और मार्केट ने एक लेवल था 526 का, ये होल्ड किया है। अभी नेक्स्ट हम लोग को क्या मार्केट के लेवल्स आ सकते हैं वो देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे कि ऐसे कुछ इवेंट्स हुए थे, जैसे कि कल का जो इवेंट्स था यानी कि जो कि मिस्टर गवर्नर जो अपने उन्होंने रिजाइन दिया और इलेक्शन का रिजल्ट, ये दो इवेंट एक साथ हो गए। पहले भी ऐसे कुछ इवेंट हुए थे क्या? हाँ, देखेंगे हम लोग थोड़ा पीछे जाके। आप थोड़ा पीछे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि एक इवेंट जो हुआ था नोटबंदी का यानी कि डिमोनेटाइजेशन, तो वो होता 2016 में। यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस जगह पे, देखिए ये जो कैंडल्स हैं वो सेम लगभग वैसे आया है, तो मुझे थोड़ा बहुत उसका रिमाइंड आ रहा मीन्स याद आ गया कि ये देखिए ये कैंडल था वो, लेकिन ये भी नीचे ओपन होने के बाद ऊपर क्लोज हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिन मार्केट थोड़ा साइडवेज हो गया और बाद में जाके एक मार्केट रिदम में आ गया था। डबल बॉटम होने के बाद मार्केट रिदम में आ गया था। तो जैसे कि आज का जो इवेंट था वो भी ऐसा कुछ डबल इवेंट था, एक जो इवेंट था शेड्यूल्ड इवेंट था, यानी कि जो इवेंट हमको मालूम था कि इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है और उसका एग्जिट पोल के ऊपर से भी मालूम था कि ये थोड़ा नेगेटिव रहेगा क्योंकि बीजेपी को यहाँ पे इतना एक्सपेक्टेड था उतने सीट नहीं मिले। लेकिन उसके साथ भी गवर्नर साहब का जो ये था रिजिग्नेशन था वो भी एक सरप्राइज था, वो जो था कि शेड्यूल इवेंट नहीं था, दोनों भी एक साथ हो गए। जैसे कि नोटबंदी का हुआ था और उसके साथ भी कि यूएस के इलेक्शन थे, वो दोनों इवेंट एक साथ हुए थे। तो आज की भी कैंडल जैसे ही नीचे ओपन हुए हैं और ऊपर क्लोज हो गए हैं। तो अभी इसको हम लोग एनालिसिस करते हैं, तो हम लोग फिबोनाची से भी एक एनालिसिस कर सकते हैं। जैसा कि ये जो लो था उसके बाद मार्केट ने जो हाई मारा वहां से वो फिसला है, अगर वहां से आप फिबोनाची लेवल डालते हैं तो आज का जो लो बनाया है मार्केट ने यहाँ पे ये ऑलमोस्ट 61.8 का लेवल जो है फिबोनाची का इंपॉर्टेंस लेवल, वहां से मार्केट ने रिकवरी दिया है। तो इस हिसाब से अगर मार्केट का जो टारगेट आना चाहिए नेक्स्ट, अगर ये प्रॉपर मार्केट ने सपोर्ट लिया है तो
वो आएगा एक्सटेंशन के बाद वही 10,930। तो ये जो है कि हमने फिबोनाची के ऊपर से मार्केट के एनालिसिस किया है, राइट। तो अभी हमारा इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट है मार्केट का जो लेवल है वो ये हो जाता है जो आज का लो था 10,328। अभी मार्केट कभी भी रिवर्स होगा नियर टाइम में तो 10,328 ये होल्ड करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। जैसा पहले जो लेवल दिया था 10,526, तो ये मार्केट के सपोर्ट हो गए। और अभी आगे वाले जो रेजिस्टेंस है निफ्टी के 10,067 और 10,726 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। मैं अभी मार्केट का भी इसलिए दे रहा हूँ कि एक इवेंट के बाद मार्केट एक तो साइडवेज हो सकता है या फिर रिकवर हो सकता है। हम लोग थोड़ा इंट्राडे में भी देखेंगे निफ्टी के आप क्या कर सकते हैं निफ्टी में, या फिर अगर लॉन्ग या शॉर्ट जाना है तो आप कैसा कर सकते हैं। तो जैसा कि आज जो मार्केट यहाँ पे ये लेवल पे रेजिस्टेंस ले रहा था तो ये दो दिन का करीब करीब रेजिस्टेंस है। तो 10,564 के ऊपर अगर इंट्राडे में जाएगा तो आप बाय कर सकते हो, 10,600 का टारगेट आ सकता है उसके ऊपर, 10,655 का। और अगर आपको शॉर्ट करना है तो 10,526 के नीचे अगर मार्केट इंट्राडे में जाता है तो ये शॉर्ट हो सकता है, 10,439 का भी लेवल आ सकता है। उसके बाद मैं बैंक निफ्टी के बारे में देखता हूँ। तो बैंक निफ्टी देखिए कि सेम निफ्टी जैसा ही नीचे से वो कवरिंग किया और एक अच्छा लेवल था उसके ऊपर क्लोज दिया 25,983। कल बैंक निफ्टी भी आपको अगर बाई में जाना है तो 26,267 के ऊपर उसमें बाइंग जा सकते हैं, शॉर्ट होगा तो 25,983 के नीचे शॉर्ट हो सकता है। और बैंक निफ्टी का अभी नया जो सपोर्ट है आज का लो था 25,610, ये अगर होल्ड करता है तो बैंक निफ्टी साइडवेज या अप ट्रेंड जा सकता है। कोई जो स्टॉक्स है जिनके बारे में मुझे कुछ लेवल्स अच्छे लगे उसके बारे में मैं थोड़ा बात करता हूँ। जैसे कि आरओ फार्मा है, तो आज जो मार्केट कवर हुआ तो मोस्टली उसमें फार्मा स्टॉक और पीयूसी बैंक स्टॉक कवर हो गए। तो आरओ फार्मा मुझे एक वीकली व्यू में भी किसी ने पूछा था तो एक अच्छे लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट लिया है और एक ग्रीन कैंडल भी बनाया। तो अगर कोई इसको डिलीवरी बेस भी ट्रेड करता है तो 707 का स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय कर सकते हैं, टारगेट 813 का आ सकता है। ये मोस्टली डिलीवरी कॉल है तो ये डिलीवरी कॉल के ऊपर से देखो। इंट्राडे के लिए अगर जैसा कि मैं TCS का चार्ट दिखाता हूँ, TCS जैसे स्टॉक यानी कि IT स्टॉक के लिए कभी भी आपको ट्रेड करना है तो डॉलर पे नजर रख के आप ट्रेड कीजिए। TCS को अगर 2016 के ऊपर जाता है तो कल इंट्राडे में भी उसको बाय कर सकते हो, उसका टारगेट 2042 तक आ सकता है क्योंकि एक लेवल में घूम रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक करता है, बहुत दिन से यहाँ पे रेसिस्टेंस ले रहा है, तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा आपको। उसके बाद एस बैंक, तो जैसे कि अपने गवर्नर चेंज हो गए तो उसके बाद कुछ बैंकों में एक बाइंग आ रहा है, उसमें से एस बैंक भी है। जैसे जितने आज बैंक में बाइंग आया जैसे येस बैंक है, SBI वगैरह, तो उनको भी आप नजर रख सकते हो। येस बैंक का जो एक रेसिस्टेंस था 182, वहां से ही लास्ट टाइम वो रिवर्स हुआ था। अगर कल 182 का अगर वो ब्रेक करता है तो आप बाय भी कर सकते हो, 193 तक भी उसके टारगेट एक दो दिन में आ सकते हैं। इंट्राडे में बाय करना है तो 182 के ऊपर जाएगा तो आप उसको कल के लिए बाय कर सकते हो। नेक्स्ट टाटा स्टील है, तो कुछ मेटल स्टॉक भी अभी कवर हो रहे हैं और अपने सपोर्ट के लेवल से हो रहे हैं। तो जो टाटा स्टील है उसमें भी अगर कल ए लेवल के ऊपर निकलता है 504 के ऊपर निकलता है आप उसको बाय कर सकते हो, 509 का टारगेट दे सकता है पहला वाला टारगेट। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे SBI इसके लिए मैं बात किया कि मोस्टली जैसे कि फंडामेंटल जो न्यूज चल रहे हैं
पीओसी बैंक कुछ फायदे में आ सकते हैं। अगर एसबीआई कल 283 के ऊपर अगर इंट्राडे में सस्टेन करता है अगर 10 एक मिनट, तो आप उसमें बाइंग में जा सकते हो। 287 का टारगेट आ सकता है इजीली। तो आज के लिए मैं कल ये 4 स्टॉक दे रहा हूँ। कल का जो दिन रहेगा आफ्टर इलेक्शन का रिजल्ट के बाद का दिन है, तो उसका और भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो सकता है। तो जो भी आपको ट्रेड करना है बहुत सोच समझ के करना। थोड़ा वॉलिटिलिटी बढ़ गया था मार्केट का, जैसा मैंने इम्प्लॉयड वॉलिटिलिटी देखा तो कल 20 था, लेकिन आज थोड़ा कम हो गया क्योंकि इवेंट के बाद ऑलमोस्ट वॉलिटिलिटी थोड़ा कम होता है, वो ठीक ठाक है अपने लिए। लेकिन उसका असर भी शायद कल इलेक्शन का कुछ होगा, तो आपको बहुत संभल कर ट्रेड करना है। और अगर मैं जो लेवल दिखाए उस लेवल के ऊपर आपको ट्रेड करना है, तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का एडवाइस लेके आप ट्रेड कर सकते हैं। ये मेरे सब टेक्निकल व्यूज है और टेक्निकल लेवल्स है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये लेवल चलेंगे, लेकिन आपको ट्रेड करना है तो बहुत संभल के करना। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।